मुर्ग छोले और लजीज पाए। ये जरा लाहौर का माहौल नजर आ गया भाई मुझे कराची में माशाल्लाह। ओ हो 42 साल पुराना। ये आपने शुरू किया था या आपके वाले साहब? मेरे वाले साहब 42 साल तो मेरी उम्र भी नहीं है। अरे अरे अरे, हमारा एक ये कॉन्सेप्ट है शुरू से कि सस्ती बिरयानी बेची जाए और अच्छे मायार पे बेची जाए। ये एक प्लेट है 170 रुपए की, क्या बात है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम पूरे पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ कोरमा हमारे ही है, रशीद कोरमा। रशीद कोरमा के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई नाज़माबाद नंबर 2, नहीं नाज़माबाद नंबर 3, बस स्टॉप नंबर 2 कहलाता है ये। और ये जो फूड स्ट्रीट है ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ दूध की, लस्सी की, दूध जलेबी, पाकोला, मिल्क वगैरह उसकी तो शॉप मिलेंगी। इसके अलावा पराठे बन रहे हैं, अंडे, चाय, कैफे अब्बास की चाय मशहूर है यहाँ पे, रशीद कोरमा बहुत ही फेमस है, उसके सामने जो है वो मुमताज़ निहारी है, यहाँ पे बन कबाब मिल रहे हैं, बारबेक्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेंट माहौल है। बहुत पुराना इलाका है ये कराची का, तो ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर चले। खैर लस्सी हाउस जी सर, कितनी पुरानी दुकान है ये? सर ये हम लोग यहाँ पे सर 65 साल हो गए इसी को हम लोग लस्सी। सर्दियों गर्मियों लस्सी और ऐसा मियार आपको नाज़माबाद से और शायद बंस रोड के अलावा नाज़माबाद के अलावा कहीं नहीं मिलेगा लस्सी का, दूध का। हाँ, जो इधर मियार बिक रहा है ये देखे ना हमारी ये लस्सी, ये हम डालते हैं तो उसमें आप मियार। कितने की का गिलास है लस्सी का? ये हम लोग अभी फुल 100 रुपीज पे चला रहे हैं, हालांकि 210 रुपए किलो दूध हो गया, मगर यहाँ इसी वजह से कि आमने सामने दुकानें कंपटीशन है। ये आ गई मलाई, वो हो मलाई के बगैर तो लस्सी का मजा ही नहीं है। 100 रुपए की मुनासिब है लस्सी यार। ये देखें भाई यहाँ पे ये जो है ना ये दूध जलेबी भी है, बड़ा ही गर्मा गर्म गाढ़ा गाढ़ा दूध है। दूध जलेबी कितने की है प्याला? 130 रुपए का। 130 रुपए का प्याला दूध जलेबी का। ये लस्सी तैयार हो रही है, ताज़ी ताज़ी हाथ से बनाते हैं ये? हाथ से एक उसी ज़माने से अभी तक हाथ से ही बन रही है। मशीन बनाई थी ये बड़ी भी है, लस्सी की मशीन है ये, सर कामयाब नहीं हुई। मज़ा नहीं आया? नहीं, वो लोगों ने वो बस रिजेक्ट कर दी कि भाई हम हाथ वाली पिए। अच्छा यार, एक गिलास हमें भी चेक कराए जरा। ट्रैफिक बहुत है, हॉर्न शोर, वाइब बहुत ज़बरदस्त है यहाँ की, ये चेक करें आप। एक तो ये बड़े स्टाइलिश गिलास इन्होंने रखे हैं, बिस्मिल्लाह। भाई कराची में पड़ती है बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी, और उस गर्मी के अंदर ऐसी लस्सी हो तो मज़ा ही आ जाए। मलाई चेक करें ज़रा। मज़ा आ गया भाई, लस्सी पीते आगे चलते। भाई इस पूरी गली के अंदर आपको पकवान हाउस भी मिलेंगे, शीरमाल हाउस भी मिलेंगे, कैटरिंग के लिए शादी ब्याह वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा पुराने जो किचन है यहाँ पे वो यहाँ पे मौजूद हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। तवक्कल कराची हलीम पुलाव 24 घंटे सर्विस, 24 घंटे ही है, 24 घंटे सर्विस होती है हमारे पास। माशाल्लाह भाई, बड़े माशाल्लाह मज़े करते हैं। 24 घंटे सर्विस होती है हमारी। अच्छा ज़बरदस्त यार, कितने का पुलाव है ये? 100 रुपये पाव है सर, हलीम के साथ। हलीम उसके ऊपर डालते हैं, पुलाव के ऊपर? पुलाव के ऊपर हलीम डालते। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। और रोज खाने आते हैं आप? पसंद है? अच्छा है, नाज़माबाद का मशहूर है। एगर रहमान बिरयानी खारादर में भी है और ये नाज़माबाद में। अब ये वही वाली है कि नहीं ये ज़रा पता करते। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप बताएं। जिया भाई खैरियत से, मज़े में है? आ जाए, आपको देख के एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी बहुत पुराने अपने बंदे से मिला। मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको बने रखे। नहीं यार, स्ट्रीट फूड पी के है ना? जी जी जी, बहुत अच्छी बनाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये रहमान बिरयानी कौन सी वाली है? ये खारादर वाली नहीं है। ये खारादर वाली नहीं है? अच्छा, ये कब की है, कितनी पुरानी है ये? यार बेसिकली हमारी एक दुकान है दस्तगीर में, जावेदारी के पीछे। अच्छा, वो तकरीबन 10-12 साल से है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी चल रहा है, इधर भी किया है, साल एक हमें इधर हो गया। अच्छा अच्छा, ये अलग है रहमान बिरयानी। ओके, चिकन बिरयानी है? चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, चिकन पुलाव है, कोरमा है। कितने की प्लेट है चिकन बिरयानी की? 170 रुपये।
वाह भाई वाह, तैयारी तैयार हो गई। ये एक प्लेट है 170 रुपए की। जी क्या बात है। वहाँ ये तो भाई बिरयानी भी भाई ने बोला। आपका नाम क्या है? राहिल। राहिल भाई, राहिल भाई ने कहा कि बिरयानी खाए बगैर जा नहीं सकते, तो भाई ये हमने थोड़ी बिरयानी मंगाई है अपने लिए। हर रहमान बिरयानी नाजमाबाद की। बिरयानी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है बिरयानी। वो वाली है। अच्छी मज़ेदार चटपटी बिरयानी है, मसाले वाली। तो आप थोड़ा सा आप रायता डालें इसके ऊपर। अच्छी है। बासमती चावल है। अच्छी क्वालिटी वाला तेला चावल है। असल में हमारा जो शुरू से एक मोड़ आया ना कि पब्लिक की जेब के हिसाब से चीज़ बेची जाए, वरना तो आपको पता है अच्छी बिरयानी 250 रुपए की कराची में बिक रही है। सही बात है। लेकिन हमारा एक ये कॉन्सेप्ट है शुरू से कि सस्ती बिरयानी बेची जाए और अच्छे मायार पे बेची जाए। तो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए 170 रुपए की बिरयानी की प्लेट यहाँ पे मिल रही है और माशाल्लाह टेस्ट मज़ेदार है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? ठीक है। बस इधर आए हुए थे ज़रा काम से। नाजमाबाद के मशहूर बन कबाब के बराबर में मिल रहे लासानी मुर्ग चने और लजीज पाए। ये ज़रा लाहौर का माहौल नज़र आ गया भाई मुझे कराची में। माशाल्लाह मुर्ग छोले और लजीज पाए दोनों चीज़ें अवेलेबल। वाह यार वाह, ये चीज़ कोफ्ते भी हैं, अंडे भी हैं। आप लोग लाहौर से हैं? आप लाहौर से हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो ये कब से है ये लासानी? काफ़ी देर, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। लाहौर में कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग चाइना स्कूल है, शाहबाग चाइना स्कूल। अच्छा, लाहौर में तो बहुत मेरे चने खाए हैं, वहाँ के हाफिज़ के चने और बाऊ सलीम के चने और बहुत सारे। तो वैसे ही जायका है इनका कि नहीं है? लाहौर वाला जायका है कि नहीं? बिल्कुल पक्की बात है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है। ज़बरदस्त पाए भाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, ये आपका नाश्ते में भी होता है चने? और सुबह 6 बजे खुल जाए। सुबह 6 से रात रात 12 बजे तक, 12-1 बजे तक। और 24 घंटे चलता है तकरीबन? हाँ 24 घंटे ही हो जाए। तकरीबन ये मॉर्निंग में आते हैं 6 बजे और तकरीबन ये 1-2 बजे तक परमानेंट आते हैं, यानी कि 2-3 घंटे के लिए बंद करते हैं। नान का बनते हैं तकरीबन फ्रेश फ्रेश? इनके पास सादा नान भी है, लाल आटे की रोटी भी है और इस तरह कुलचा भी है, रोगनी नान भी है। कुलचे वो लाहौर वाले कुलचे हैं कि नहीं? लाहौर वाले कुलचे। लाहौर वाले कुलचे। चने की प्लेट कितने की है? सादा चना 100 का, अंडा चना 140 का है। अच्छा। कोफ्ता चना 150। और पाए? पाया 200 का, 250 का, 150 का, फुल 250 का, सिंगल 150 का। ये आ गए तिल। ये हमारे लिए खास तिल वाले लगाए जा रहे हैं। लाहौर का माहौल बने तो पूरा बने ना, पूरा पूरा लाहौर का माहौल बने ना यार। अच्छा भाई, ये हमारी स्पेशल प्लेट आई है जिसके अंदर पाया भी है, चने भी हैं और कोफ्ता भी है। ये स्पेशल प्लेट है 300 रुपए की। और ये आप कुलचे देखें, ये लाहौरी स्टाइल के कुलचे तिल वाले, ये भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो ज़रा टेस्ट करते हैं कि कैसा जायका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें भाई चने। चनों में टेस्ट आया भाई। और असल में इसके अंदर इन्होंने पाए भी मिक्स कर दिए ना, तो पाए का तो अपना ही एक जायका होता है और चने भी मिक्स हो गए, कोफ्ता भी मिक्स हो गया, तो ये मिक्स हो गए, बड़ा ही लजीज, बहुत ही रिच टेक्सचर बना है इसमें, नो डाउट। और जो चने हैं ना वो बहुत ही नरम मुलायम, वैसे तो बिल्कुल सॉलिड, इंतहाई गले हुए। तो थोड़ा पाया चेक करें हम। ये जो पाए और चने का ये माहौल बनेगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। वाह भाई वाह, कराची के अंदर अंडे चने का ये वाला टेस्ट जो है ना वो शायद कहीं कहीं आपको मिलेगा, बड़ा मज़ेदार है भाई। लाहौरी असल मज़ा है वो इस कुलचे के साथ है, तिल वाले, सही कह रहा हूँ? अभी जाके और चीज़ें भी खानी है लेकिन भाई हाथ नहीं रुक रहा इसके ऊपर। ये देखें आप, अभी तो मैंने रात में खा लिया है ये, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन सुबह भी आऊँगा यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह के नाश्ते का भी यहाँ पर अलग ही माहौल है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और ये है भाई कोफ्ता, कोफ्ते के साथ टेस्ट करते हैं भाई।
सादे चने अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त हैं, पाए के साथ इसका और कोफ्ते के साथ तीनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त। और यही ब्यूटी है भाई कराची की, क्योंकि कराची की जो फूड है ना वो बहुत ही डाइवर्स है। आपको यहाँ पे पंजाब का टच भी मिलेगा, केपीके का, बलूचिस्तान का, सिंध का, और यहाँ पे कराची का अपना तो माहौल है ही। क्या बात है, ये भाई मुल्ला जी बन कबाब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है। नाज़माबाद के मशहूर मुल्ला जी बन कबाब जी, क्या खास बात है आपके कबाबों में जो इतने मशहूर है? खाकर देख लेना आप यार। अरे नहीं, आप बताए ना, खाके तो देख ही लेंगे। क्या बताए, खाकर देख ले, आपको खुद ही पता लग जाएगा। दाल का कबाब है? नहीं, दाल गोश्त फिक्स होता है। दाल गोश्त फिक्स है। और ये बन कबाब बन रहे हैं भाई, सिंपल बन है और कबाब है और एक चटनी है और प्याज। ये जो ट्रेडिशनल बन कबाब होता है वो वाला ये बन कबाब है। कितने का है बन कबाब? हम चटनी का देते बगैर प्याज का, 90 रुपये का। 90 रुपये का बन कबाब है भाई। आपका नाम क्या है? रेहान नाम है। रेहान भाई, कितना है उससे पुराना सेटअप है आपका? ये तकरीबन 42-47 साल हो गए। 42 साल, वाह यार, 42 साल पुराना। ये आपने ही शुरू किया था या आपके वाले साहब? मेरे वाले साहब। वाले साहब अभी 42 साल तो मेरी उम्र भी नहीं है। अरे अरे यार, वाले साहब अभी कहाँ है? वाले साहब तो इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आराम रजा। आराम रजा, और आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, देखते हैं हम आपकी वीडियो। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अल्लाह कबाब खिलाए आप? नहीं नहीं, आप खाए? नहीं, अरे हम खा लेंगे, हम ले लेंगे। भाई बन कबाब मैंने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन अभी मैंने ये खाया नहीं है, लेकिन जो कबाबों की खुशबू है ना, अपनी कबाबों की इटसेल्फ जो खुशबू है, वो और जगह मिलना मुश्किल है। क्योंकि ये सिर्फ दाल का कबाब नहीं है, बल्कि एक बड़ी अच्छी जो शामी कबाब की खुशबू होती है वो इन कबाबों में महसूस हो रही है। और सादा जो कबाब वो है वो 90 रुपये का है। अंडे वाला कितने का है? 130। अंडे वाला जो है वो 130 रुपये का है। तो एक सादा बन कबाब हमें भी ज़रा चेक कराएं। ये आ गया भाई सादा, चटनी के साथ थोड़ी सी प्याज। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये देखिए भाई, ये है बन कबाब, चटनी, कबाब, प्याज, और बड़ा ही क्रिस्पी टेक्सचर इसका। तवे के ऊपर इसको अच्छे तरीके से सेका गया है बन को। और ये है ट्रेडिशनल बन कबाब कराची का स्पेशल, मुल्ला जी बन कबाब नाज़माबाद का। चटनी चेक करें आप, मुँह में पानी आ रहा है भाई, बिस्मिल्लाह। जितना स्पाइसी में समझ रहा था इस चटनी को, उतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बड़ी अच्छी चटपटी सी चटनी है। और ये चटनी जो है ना, यही असल USP है। और कबाब जो है वो भी बड़ा मज़ेदार है। असल गेम चटनी का है भाई। चटनी के साथ अच्छे तरीके से जब तक आप इसको डुबा डुबा के नहीं खाएंगे, उस वक्त तक मज़ा नहीं आएगा भाई। थोड़ी चटनी और डालिएगा, माहौल बन गया भाई। और यहाँ पे भाई बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? महबूब। किसके महबूब हो तुम, हैं? चिप्स के महबूब हो? अच्छा, महबूब बना रहा है यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बना रहा है महबूब। ये मुल्ला जी बन कबाब, और इसके बिल्कुल सामने ये बना हुआ है भाई मुमताज़ निहारी, जो हम किसी और दिन आके ट्राई करेंगे, क्योंकि आज हम कोरमा ज़रा ट्राई करेंगे। किसका? रशीद कोरमा का। ये रहा रशीद कोरमा। क्या हाल है भाई, ठीक है? ये चपातियाँ रोटियाँ किसके लिए, कहाँ के लिए बन रही है? ये पराठे पक रहे। कौन से पराठे हैं ये? ये कबाब वाला पराठा है, सादा कबाब वाला, पतला पराठा है ना ये? हाँ, पतला पराठा है। बहुत अच्छा पराठा है। बहुत अच्छा पराठा है। किस चीज़ के साथ खाते हैं इसको? कबाब के साथ। और खाए कबाब? खाए शामी कबाब और पराठा। ये पराठा सादा कोरमा, शामी कबाब और इसके साथ पराठा। रशीद कोरमा पे मिलता है ये? रशीद कोरमा। कितने का पराठा और कितने का कबाब? 35 कबाब, 35 का पराठा। 35 का कबाब, 35 का पराठा। ये बड़ा का रोल। अच्छा, 80 का रोल बन जाता है? 70। 60 रोल, जबरदस्त। अच्छा 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 भाई, ये बड़ा यूनिक पराठा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। निकाला,
बड़ा पतला पराठा है ये रोटी की तरह, घी लगा के इसको बनाया जा रहा है और शामी कबाब से खाने के लिए। रशीद कोरमे की तारीफें सुनी है हमने बड़ी। बिल्कुल जी। कहाँ पे है कोरमा? कोरमा ये रहे बीफ कोरमा। ये है भाई कोरमा। ओके, खैरियत से ठीक ठाक है। रशीद कोरमे की बड़ी तारीफें सुनी है हमने। किसने शुरू किया ये? यार ये हमारे दादा ने स्टार्ट किया था। अच्छा, तकरीबन 50 साल पहले। दादा का नाम रशीद था जी? उसे रशीद। उसने कोरमा शुरू किया था उन्होंने? नहीं, पहले तो हमारा चाय का होटल था, फिर उससे हमने कोरमा इधर शिफ्ट किया था। अच्छा, कोरमा तो कोरमा कोरमे के नाम से मैंने और सुनी नहीं है कि नहीं, सिर्फ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम पूरे पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ कोरमा हमारे ही है, रशीद कोरमा। रशीद कोरमा के नाम से ना? तो आप लोगों का कैटरिंग वगैरह भी होगा शादी? जी, कैटरिंग हमारा अलग है, सेपरेट है। कोरमा तो एक शादी ब्याह वाला आइटम होता है ना ज़्यादातर? नहीं, लोग वैसे भी नॉर्मली बस खाते हैं, लेकिन मंसूब वगैरह बिरयानी कोरमा ज़रा शादी से टच आता है ना। वो किस किस का कोरमा होता है? और बीफ का होता है, चिकन का होता है, मटन का होता है। अच्छा, तीनों होते हैं? तीनों मिलते हैं हर वक्त? जी, तीनों कोरमा मिलते हैं हमारे पास। जो है वो कोरमा एक अच्छी क्वांटिटी में होता है, जैसे हम लोग अर्जेंट भी ऐसे कहीं पर शॉर्टेज हो रही है कोरमे की, हमारे फौरन रेडी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, रेडी मिल जाता है। ओके, 10 बैग्स भी होते हैं हम लोग के ना। अच्छा, तो कितने की प्लेट है कोरमे की? हमारी जो प्लेट स्टार्ट होती है 350 रुपये पाव से बीफ कोरमा। अभी करंट रेट है, आपको पता है अभी जो जिस तरह की इकॉनमी है रेट जो वेरी करते हैं। सही है, अभी फिलहाल जो 350 पर पाव। और मटन कितने का है? मटन कोरमा जो 580 रुपये पाव। और चिकन कोरमा? 320। 320 चिकन, 580 मटन और 350 बीफ। ओके वसीम भाई, क्या क्या आइटम है ये बताएं जरा। बहुत सारे आइटम है, एक एक करके बताओ ना। ये क्या है? ये आलू कोफ्ता है। अच्छा, ये आलू कोफ्ता है। ओके, ये क्या है? ये पालक गोश है। पालक गोश, सारे रेगुलर आइटम भी है यहाँ पे। ये कीमा फ्राई है। कीमा फ्राई माशाल्लाह। ये बीफ कढ़ाई है। कढ़ाई आ गई। और ये चिकन कढ़ाई है। ये चिकन कढ़ाई है। ये मटन कोरमा है बकरे का। मटन कोरमा, यार कोरमा तो मटन ही होता है असल में। वैसे ये दाल माश है। ये दाल माश हो गई। और ये दाल गोश है। दाल गोश, कड़ी पकौड़ा। ये सब्जी है, मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी भी है भाई यहाँ पे, वेरी नाइस। और ये अंडा चना, मुर्ग चना। मुर्ग चना भी है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या बात है यार। और ये चिकन कोरमा है। चिकन कोरमा ये पाया है, और वो है कोरमा बिरयानी। चिकन बिरयानी। कितने की बिरयानी की प्लेट कितने की है? 180 रुपए। 180 जी सर। भाई यहाँ कराची के अंदर ना बेतहाशा आपको दुकानें मिलेंगी कबाब की, दिल्ली कबाब, मीरठ कबाब, कराची कबाब, ये कबाब, वो कबाब। इसके अलावा बिरयानियाँ भी आपको बहुत सारी मिलेंगी, नहारी बहुत सारी मिलेंगी, हलीम आपको मिलेंगे। लेकिन कोरमा जो है ना, वो एक रशीद कोरमा है, और इसके अलावा तो मैं कोई और नहीं जानता जो कोरमे के लिए स्पेशलाइज्ड हो। तो अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोरमे की स्पेशलिटी बनाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नाम से दुकान हो वो शायद मुश्किल है। साहिल भाई, कोरमा ले आए हम हैं भाई। जो रशीद कोरमा है ना, उस पर डाइन इन का सेटअप नहीं है, तो ये जो अर रहमान बिरयानी है इस पर दोबारा हम आ गए। ये अपना कोरमा, एक पाव कोरमा लिया है हमने इसको टेस्ट करने के लिए। ये आया कोरमे का ऑयल और ये कोरमा। ये भाई आ गई गर्मा गर्म रोटी। तो भाई अगर आपको रशीद कोरमा जो है ना वो आके यहाँ पे खाना है, तो आप कोरमा उनसे पार्सल लें, क्योंकि उनके पास बैठने का सेटअप नहीं है। और यहाँ अर रहमान बिरयानी पे आके कोरमा भी खाएँ, लेकिन इनकी बिरयानी भी ज़रूर खाएं, क्योंकि ऐसे आपको जो है ना वो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ समझ रहे ना। तो चले, खैर गरम गरम रोटी आ गई है। ये देखें भाई, ये मटन कोरमा हमने लिया है। बड़ी ज़बरदस्त कोरमे की खुशबू आ रही है, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक जिस तरह कोरमा होता है उस तरह का सालन है। रशीद कोरमा, बिस्मिल्लाह। कोरमा आ रहा है भाई, वाह। कोरमे का ऐसा ज़बरदस्त शोरबा है, सालन है, कि गोश्त की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही ज़ायकेदार आला नस्ल के कोरमे की मखसूस खुशबू
बड़ा ही दानेदार गाढ़ा गाढ़ा थिक इसका सालन है। और एक पाव जो है वो मेरे ख्याल है दो लोग भी खा सकते हैं, अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो एक बंदे के लिए भी काफ़ी है। भाई वाह, बहुत ही अल्टीमेट, सारी चीज़ें हमने खा ली हैं। लेकिन आगे जो है ना, वो जहाँ पे हमने लस्सी पी थी उसके सामने एक और दूध की दुकान है, जहाँ पे और कुछ रबड़ी वगैरह भी मुझे नज़र आ रही थी। ये कोरमा फिनिश कर लूँ और फिर फाइनल टच देते हैं वहाँ पे, और फिर अब्बास की चाय भी पीनी है क्योंकि चाय भी तो मशहूर है ना भाई, ज़बरदस्त। यहाँ पे देखें भाई आप, यहाँ पे ये क्या क्या आइटम है भाई, काफ़ी सारे आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या क्या आइटम माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? रबड़ी है, दूध दुलारी है, खीर है, खीर रबड़ी मिक्स है, लस्सी है। अच्छा, खीर रबड़ी मिक्स है, रबड़ी लस्सी है, सही, रबड़ी दूध है, माशाल्लाह दूध जलेबी है, गर्म दूध है, दूध सोडा है। अभी सवाल है रबड़ी दूध, दूध की बोतल तो काफ़ी पुराना है, यहाँ पे सारे मामलात हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बताएं ना, हम क्या लस्सी तो हमने पी ली, कुछ और चीज़ बताएं भाई। रबड़ी है माशाल्लाह, दूध दूध रबड़ी दूध, रबड़ी दूध बेहतरीन है। रबड़ी दूध किधर है जरा दिखाए ना, रबड़ी दूध जरा दिखाओ भाई, रबड़ी दूध कहाँ है यार? ये आ गई, ये क्या है रबड़ी? जी ये रबड़ी है भाई, ये यहाँ खीर रखी हुई है, दूध दुलारी है, काफ़ी सारे मीठे आइटम है यहाँ पे। ये गाढ़ा दूध है, ये गाढ़ा दूध है, ठंडा मीठा, ठंडा मीठा दूध। अच्छा, इसी अंदर रबड़ी बन जाएगी? इसके अंदर रबड़ी भी होती है। अच्छा, ये इस तरह बन जाएगा रबड़ी दूध? डाल ये लच्छा वच्छा डालो जरा, अंकल जो बोल रहे हैं। ओ, ये आ गया भैया रबड़ी दूध, लबालब लबालब। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ट्राई कर ली है, चाय एक बाकी रह गई है, और ये रबड़ी दूध जो है ना, ये भी जरा हम पी के देखते हैं, थोड़ा हैवी हो जाएगा लेकिन अल्लाह मालिक है। बिस्मिल्लाह, ये देखें भैया, ये आ रही है रबड़ी, ये रबड़ी के लच्छे। मुझे लग रहा है थोड़ा जुगाड़ वाला आइटम बना है, ठंडा दूध जो था ना वो अलग था, रबड़ी अलग थी, दोनों को मिक्स करके बना दिया रबड़ी दूध। लेकिन जो वैसे रबड़ी दूध होता है ना, वो थोड़ा मेरे ख्याल है डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं है। बाइक पे जाते जाते ज़रा लोग रुक गए, मेरा ख्याल है खाली रबड़ी में खाता तो वो ज़्यादा उसके अंदर लच्छे और महसूस होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, आप क्या क्या PSL में काम खेल रहे हो? इंशाल्लाह मैं जो है ना बहुत जल्दी PSL को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। हाँ, मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। हाँ भाई, अब हम आ गए कैफे अब्बास, जिनकी चाय बहुत मशहूर है, और सारी चीज़ें खा लें, चाय ना पिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, चाय पीते। सलाम वालेकुम। चले हजरत, अल्लाह का करम, जबरदस्त कैफे अब्बास की चाय की तारीफें कर रहे हैं लोग, पी के देखें फिर है? पहले पी ले, फिर बाद में। कितना पुराना है कैफे अब्बास? होगा तकरीबन 50-60 साल पुराना है। चाय बम की तरह ये सामने नहीं बनती, पीछे बनती है, पीछे बनती है सामने। चेक कर लो जाके। कोई कोई हाथ पर क्या नाम है? फैजान। ये देखो भाई, चाय का माहौल बना हुआ है। अच्छा, ये पतीले पे पकता रहता है? पकता रहता है। कितनी देर तक पकाते हैं? मतलब तकरीबन 1-2 घंटे तक यहाँ पकेगा, फिर यहाँ पकता रहेगा सारी रात। अच्छा, इससे ये फिर यहाँ पकेगा, फिर जाके इधर साफ करेंगे। फिर तो पका पका के वो दूध जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने का चाय का कप? कितने का? 70 रुपए का मिला। 70 रुपए की चाय है? जी सर। आरिफ भाई बना रहे दो जबरदस्त की चाय। अरे भाई, चाय का कलर बता रहा है कि क्या बात है? चाय का कलर बता रहा है। यहाँ पे भी है दूध जलेबी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। क्या बात है भाई, ये हमारी चाय आ गई। और यहाँ पे भी जो है ना, वो ये बम पे मक्खन लगा हुआ है, मस्का मस्का बन, मस्का बन, ये मुल्तान में मिलता है असल में, है ना? हाँ, ये मैंने मुल्तान में खाया, ये बन भी और चाय भी। ये कसूरी दूध है, हम बहुत दूर से पीने के लिए आए यहाँ पे। यहाँ का मस्का बन और कस्तूरी दूध, यही रहते हैं आप लोग? नहीं, शादमान पे रहते हैं, पीने के लिए। और ये दूध कैफे बस हम महीने में 15 दिन में चक्कर लगा लेते हैं, जब दिल चाहता है। हाँ, मस्का बन के लिए, और माशाल्लाह वही टेस्ट अभी भी जो आज से 10 साल पहले था। वेरी नाइस भाई। मुल्तान में मैंने एक चाय पी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही, मैं वीडियो देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। आप लोगों को याद हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा।
वो चाय भी मुझे याद आ गई और यहाँ पे ये बन भी उसी तरह मिल रहा है जो वहाँ पे मशहूर है। तो खैर चाय का टेक्सचर देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म चाय भाई। ये जो दूध उन्होंने बताया है ना, उतना ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा थिक इसका टेक्सचर चाय का आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। किसके लिए? आपके लिए। हम थोड़ी अभी हम खा के आए इतना। ये देखिए ये भाई, ये बने और ये बन, ये इसके अंदर मक्खन, ये देखिए ये कहलाता है मस्का बन। और अब ये आ ही गया है तो भाई मना नहीं, मना करना जो है ना वो बदअखलाकी है। ये देखिए आप, ये इसकी टेक्निक ही है कि सुबह हो शाम हो रात हो आप ये बन खाएं। वाह वाह वाह, सुबह नाश्ते में तो भाई इसका मजा ही अलग आएगा है भाई। कैफे पास भी ये चाय और ये मस्का बन, बहुत ही ज़बरदस्त। और जितनी भी चीज़ें आज हमने खाई बहुत ही मज़ेदार थी। उम्मीद है आप लोगों को भी आज की वीडियो देख के मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।